हेलो गाइस, वेलकम टू डगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। रियलमी ने अपना रियलमी 5 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई रियलमी 5 प्रो का भी परचेस करें या रियलमी एक्स को परचेस करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों फोन का कंपेरिजन करके आपको बता दूं डिटेल में कि एग्जैक्टली मैं आज की डेट में आपके लिए रियलमी 5 प्रो लेना बेटर है या रियलमी एक्स लेना बेटर है। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। So guys, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो रियलमी 5 प्रो का जो बेस फोन है जिसमें आपको 4GB की रैम 64GB मिलती है, इंडिया में आपको देखने को मिल जाता है 14,000 की प्राइस पॉइंट पे। जबकि रियलमी एक्स का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम ही मिलती है लेकिन 128GB की स्टोरेज मिलती है, वो आपको 17,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। तो अगेन दोनों ही फोन में आपको 3,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो बेस वेरिएंट में। तो चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों में अगेन यहां पर पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया, ग्लॉसी टाइप का पैनल है। हां, स्क्रैचेस काफी जल्दी लग जाएंगे लेकिन डिजाइन वाइज दोनों ही फोन काफी जबरदस्त है। अगर आप देखोगे Realme X को तो यहाँ पर S टाइप का पैटर्न है, काफी अच्छा दिखता है, ग्रेडेंट फिनिश के साथ में आता है। Realme 5 Pro भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर भी आपको डायमंड कट जैसा ग्रेडेंट फिनिश देखने को मिल जाता है। तो अगेन Realme की सेम स्टोरी है, डिजाइन वाइज काफी जबरदस्त है लेकिन बिल्ड क्वालिटी में अगेन कॉम्प्रोमाइज करे, ग्लास बॉडी दोनों फोन में नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। Realme 5 Pro में अगेन आपको टिपिकल वाटर ड्रॉप वाला नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है 6.3 इंच का, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया हुआ, एक IPS पैनल का इस्तेमाल करा गया है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। जबकि Realme X में यहाँ पर आपको 6.5 इंच का मैसिव डिस्प्ले मिलता है, AMOLED डिस्प्ले, बेजल लेस है, कोई नॉच नहीं है, कोई पंच होल नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है AMOLED डिस्प्ले में। तो ओवरऑल डिस्प्ले के बारे में बात करें तो नो डाउट यहाँ पर हमारे जो Realme 5 है विनर है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले तो आपको देखने को मिल रहा है, एज वेल एज कोई भी नॉच पंच होल वगैरह नहीं है, तो पूरा क्लियर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले अगर आपको बेटर चाहिए तो आप जा सकते हो Realme X के साथ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो दोनों में आपको 4GB, 6GB, 8GB वगैरह रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, लेकिन मेन चीज मेरे को आपको ये बताना है कि Realme 5 Pro यहाँ पर अपर हैंड ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। मतलब अगर आप दो सिम लगाओगे तो SD कार्ड अलग से लगा सकते हो, जबकि Realme X में हम सभी को पता है कि SD कार्ड का स्लॉट ही रिमूव कर दिया, सिर्फ आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा Realme 5 Pro। साथ में यहाँ पर अच्छी चीज दोनों फोन में ये है कि दोनों फोन में यहाँ पर UFS 2.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्ट है और ये प्राइस पॉइंट पर दोनों ही काफी एक्सीलेंट काम करा है Realme ने। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए स्टोरेज और रैम के मामले में, मैं यहाँ पर विनर दूंगा Realme 5 Pro को बिकॉज ऑफ ट्रिपल कार्ड स्लॉट की वजह से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको दोनों में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, Realme 5 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 712 मिलता है, जबकि Realme X में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 710 मिलता है। अब आप सोचोगे कि यार परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ये कैसा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, तो बिल्कुल भी रियल लाइफ में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। 10% का आप बोल सकते हो स्पीड में CPU में डिफरेंस है। यहाँ पर जो है Realme 5 Pro आपका 2.3 GHz पे क्लॉक कराया गया है, जबकि Realme X जो है वो आपका 2.2 GHz पे क्लॉक कराया गया है। तो रियल लाइफ में इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बेंचमार्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो स्टिल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्लाइट एडवांटेज हम दे सकते हैं यहां पर Realme 5 Pro को, लेकिन रियल लाइफ में आपको डिफरेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है दोनों फोन का कैमरा। Realme 5 Pro में आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, सोनी का MX586 का इस्तेमाल करा गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलता है, एंड अगेन 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर वाला सेंसर देखने को मिल जाता है और ये आपका 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जबकि रियलमी एक्स में अगेन आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का MX586 का सेंसर देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर वाला सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में शूट कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों का सिमिलर है, 16 मेगापिक्सल का सोनी का MX471 का यहां पर सेंसर का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन Realme 5 Pro में आपको नॉर्मल वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर कैमरा मिलता है, जबकि Realme X में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे का यहां पर फीचर देखने को मिल जाता है। तो कैमरास के बारे में बात करें तो जो प्राइमरी कैमरा है दोनों का ही सेम है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सेम है, तो जो प्राइमरी सेंसर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा डे लाइट लो लाइट वो तो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप एडवांटेज दे सकते हो यहाँ पर Realme 5 Pro को।
बिकॉज यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो कि काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो वो फीचर आपको मिल जाता है। मैक्रो लेंस का भी एडिशनल फीचर देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा दोनों का ही सिमिलर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कैमरे में मैं आपको यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज दे सकते हो Realme 5 Pro को, बिकॉज दो लेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जो कि काफी ज्यादा फीचरिस्टिक है और बहुत सारे लोग यहाँ पर वाइड एंगल निकालना पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में। तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपको पाई देखने को मिल जाता है और दोनों ही हमारा कलर ओएस 6 पे रन करता है। रियलमी ओएस आपको देखने को अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोनों का जो यूजर इंटरफेस है सेम टू सेम है, सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी आपको कलर ओएस कैसा लगता है बताना नीचे कमेंट्स में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स के बारे में। तो दोनों में फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है। रियलमी 5 प्रो में हमें कैपेसिटी बैक वाला आपको जो नॉर्मल सा देखने को मिलता है वही मिलता है, जबकि अगर हम Realme X के बारे में बात करें तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। पॉपअप सेल्फी कैमरे से यहाँ पर आपका जो फेस अनलॉक है Realme X में खुलता है और वही फ्रंट फेसिंग कैमरे से आपका Realme 5 Pro में भी फेस अनलॉक का फीचर जो है इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर स्लाइट एडवांटेज दे सकते हो आप Realme X को बिकॉज ऑफ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो Realme 5 Pro में आपको देखने को मिल जाती है 4035 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट फाइनली यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर वुक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme X में आपको 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको टाइप सी का पोर्ट इस्तेमाल करा गया है और यहाँ पर भी वुक 3.0 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है 20 वॉट के साथ में। तो बैटरी लाइफ डेफिनेटली जो कैपेसिटी वाइज है वो आपका Realme 5 Pro में स्लाइटली बेटर है और टाइप सी और वुक चार्जिंग तो सेम स्पीड यहाँ पर चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर भी आप स्लाइटली एडवांटेज दे सकते हो Realme 5 Pro को एज कम्पेयर टू Realme X से। तो गाइस ये तो दोनों फोन का यहाँ पर स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा फोन बेकार है, कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही फोन वैल्यू फॉर मनी है। दोनों में से आप कोई भी फोन ले लो आप रॉन्ग नहीं जाओगे, आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अलग अलग यूजर के अलग अलग यहां पर यूजेज रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि कौन से यूजर लोग को Realme 5 Pro लेना चाहिए, कौन से यूजर लोग को Realme X परचेस करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई किस किस को Realme 5 Pro यहां पर परचेस करना चाहिए। तो देखो अगर आपको ट्रिपल कार्ड की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको एस डी कार्ड लगाना पसंद है डुअल सिम के साथ में, तब आप Realme 5 Pro को देख सकते हो। एज वेल एज आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और मैक्रो लेंस का सपोर्ट चाहिए, आपको यूज करने में मजा आता है, तब आप Realme 5 Pro को देख सकते हो। स्लाइटली बड़ी बैटरी चाहिए आपको, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस, हल्का सी बेटर बूस्ट चाहिए, तब आप यहाँ पर Realme 5 Pro को देख सकते हो। और यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है वो भी आपका 3000 यहाँ पर बच जाता है अगर आप Realme 5 Pro परचेस करते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X किस किस को परचेस करना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो सब बिल्कुल भी नहीं है। Realme X के अपने फायदे, क्योंकि Realme X में यहाँ पर आपको क्यों लेना चाहिए, सबसे बड़ा वो इसका डिस्प्ले, बेजल लेस डिस्प्ले मिल रहा है वो भी AMOLED टेक्नोलॉजी के साथ में। तो वो आपको ये प्राइस पॉइंट पे भाई कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करा रहा, इतना बढ़िया सी डिस्प्ले। तो अगर आपको वो चाहिए, आपको ट्रेंड पसंद है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। एज वेल एज यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको 128GB की स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिल रही है। तो ये सारे अगर आपको फीचर चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट में आता है, आपकी प्रायोरिटीज में है, तो डेफिनेटली आप Realme X को भी परचेस कर सकते हो। तो ये तो यहाँ पर ये फोन के प्रोज और कॉन्स, आई होप कि यार आपके कंफ्यूजन दूर हो चुके रहेंगे। अब आप पूछोगे भाई तुम तो बता दो भाई तुम कौन सा फोन लेते हैं। तो सीरियसली अगर आप मुझसे पूछोगे भाई क्लियर वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, तो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी तो दोनों ही है, लेकिन क्लियर वैल्यू या बोल सकते हो एकदम से वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा लगा, तो मुझे लगा यहाँ पर Realme 5 Pro, क्योंकि 14000 में यार अनबीटेबल यहाँ पर परफॉर्मेंस है और सारी ओवरऑल यहाँ पर मिला के दे दिए, स्नैपड्रैगन का 712 दे दिए, चार कैमरे दे दिए और यार बैटरी लाइफ भी इंप्रूव कर दिए और 14000 में UFS 2.1 की स्टोरेज दे दिए, से ज्यादा क्या लोगे भाई। तो दोनों ही अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन अगर आप पूछोगे भाई एकदम से वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, तो मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा Realme 5 Pro के साथ में। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अभी आपके जो कंफ्यूजन हुए, डाउट्स है, वो क्लियर हुए या नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पर दोनों में से कोई फोन लेना हो रहेगा या आपके हिसाब से कौन सा फोन यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी है, बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरे तो सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है सबसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।